हेलो गाइज, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं द रिव्यू वॉइस। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचपी पवेलियन गेमिंग 15 सीरीज के लैपटॉप्स के बारे में और आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं इस पे अपनी रैम और साथ ही साथ एसएसडी। और इसमें आपको बता दूं, जो मॉडल है मेरे पास वो है एचपी पवेलियन गेमिंग 15 EC0101AX और आज हम इसी पे अपग्रेड करने वाले हैं। बट ये जो मेथड है गाइज, ये हर एक लैपटॉप पे अप्लाई होता है। एचपी पवेलियन गेमिंग सीरीज के जितने भी सारे लैपटॉप्स हैं उन सब पे अप्लाई होता है ये मेथड। सो आपके पास अगर कोई और मॉडल है तो भी आप एंड तक देख सकते हैं वीडियो और आपके जरूर काम आएगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें हैं, रैम और एसएसडी। ये है मेरे पास क्रूशल की रैम, ये 8 GB की रैम है। जो रैम है क्रूशल बेसिक्स के नाम से आती है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और ये 8 GB की सोडियम रैम है, SODIMM सोडियम रैम। और गाइज, ये चलती है 2400 MHz पे। इसको रख देते हैं इधर फिलहाल। अब बात करते हैं, ये है SSD, वेस्टर्न डिजिटल की SSD। ये एक NVMe SSD है और बहुत फास्ट इसकी स्पीड है। सो इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने लैपटॉप के अंदर और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस एंड तक देखिएगा, कैसे अपग्रेड करते हैं वो भी आपको मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको विंडोज, अपनी ओरिजिनल विंडोज ट्रांसफर करनी है नई SSD के अंदर, तो वो भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। सो गाइस, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अब शुरू कर लेते हैं। So, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं पहले हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे हमारे पास है क्रूशल की ये मेमोरी स्टिक और आप देख सकते हैं इसके बॉक्स पे जो ऊपर लिखा हुआ है 8 GB की मेमोरी स्टिक है, क्रूशल बेसिक्स DDR4 2400 MHz पे चलती है और ये सोडियम बोलते हैं इसको, छोटा फॉर्म फैक्टर होता है इसका, तो आप ध्यान से खरीदिएगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अब इसको चेक कर लेते हैं। सो गाइस, आपने ध्यान रखना है कि आप सोडियम रैम ही खरीदें क्योंकि इसमें यहाँ पे एक खांचा होता है जिससे आप अटैच कर पाएंगे अपने लैपटॉप पे। सो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और आप आते हैं अपनी SSD के ऊपर। सो गाइस, आप SSD देख सकते हैं, ये है वेस्टर्न डिजिटल की WD Blue SN550 NVMe SSD है गाइस। ये तो NVMe होने के वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट इसकी स्पीड से आप देख सकते हैं 2400 MB/s, 500 GB की है इसकी स्टोरेज और 3D NAND टेक्नोलॉजी है। और आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 years की जो है वारंटी भी मिलती है, सो काफ़ी अच्छी बात है। और पीछे की तरफ कुछ ऐसा खास नहीं है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अब चलिए फटाफट से हम इसको भी खोल लेते हैं। राइट गाइस, तो इसके पीछे आप देख सकते हैं आपको मिलती है एक यूजर मैनुअल और ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे बड़ा छोटा सा कॉम्पोनेंट है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं ये है हमारी SSD। अब गाइस, SSD जो है आपको ऑनलाइन देखने में शायद बड़ी लगे बट जब आप रियलिटी में देखेंगे तो बहुत ही छोटा फॉर्म फैक्टर है इसका। इनफैक्ट जब मैंने देखी है तो मैं भी एकदम से हैरान रह गया कि बहुत ही ज़्यादा छोटा फॉर्म फैक्टर है और बहुत ही छोटी सी मिनिएचर सी है, काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो इस पर आप पढ़ भी सकते हैं गाइस, इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है और इधर भी आपको लिखा मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ, जो स्क्रूज आपने ओपन कर रहे हैं अपने लैपटॉप के, ध्यान से कीजिएगा। एक अच्छा सा स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा, साथ में एक प्राइड टूल भी खरीद लीजिएगा जो आप ढंग से कर पाए, कुछ चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, 3 स्क्रूज इधर हैं, 1, 2, 3 और 4 स्क्रूज टॉप पे हैं, 1, 2, 3 और 4। ऐसे आप इसको करेंगे तो ये आप आराम से खोल सकते हैं। मैंने इसको पहले से ही खोल के रखा हुआ है, इसको साइड कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास एक्स्ट्रा रैम का स्लॉट जहाँ पे हम रैम लगाएंगे और इधर हमें मिलता है M.2 का स्लॉट जिसपे हम अपनी SSD लगाएंगे। अब गाइस, एक चीज़ अब बहुत सारे लोगों ने मेंशन भी करी है और मैंने भी नोट करी है कि SSD में आपको कोई जो है स्क्रू नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ देखें तो आप स्क्रू लगाना पड़ेगा आपको, तो वह स्क्रू नहीं मिलता है।
मैंने क्या करा, मैंने अपने पुराने लैपटॉप से एक छोटा सा स्क्रू देख के साइज का वही स्क्रू ले लिया। आप भी अगर कुछ आपके पास पुराना लैपटॉप पड़ा है कुछ पड़े तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा। मैं देख रहा था ऐसी भी SSD आती है जिसके बाद आपको स्क्रू मिलेगा, मैं उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वो जाके जरूर चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस देरी नहीं करते हैं, फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे ये रैम। रैम को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये मैच करना है जो इसका ये टीथ है इसको मैच करना है। और जब आप मैच करते हैं तो उसके पहले आपको 45 डिग्रीज पे ऐसे लगाना है इसको, आप देख सकते हैं आराम से लग गया है। और फिर बहुत ही प्यार से प्रेस कर देना है, आपको क्लिक के साउंड सुनाई देगी। यहाँ से दो इसके टूथ हैं इसमें जो अपने आप अटैच हो जाते हैं। ये लग गई आपकी रैम, हो गया रैम का काम, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। अब आते हैं अपनी SSD के ऊपर। अब SSD जो है वो ज़्यादा एक डेलिकेट चीज़ है, इसको भी ध्यान से लगाइएगा। इसको लगाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 45 डिग्रीज के एंगल पे इसको लीजिए और आराम से प्रेस कर दीजिए। ये चली गई अंदर, अब ये ऊपर की तरफ हो रखी है, इसको आप नीचे से प्रेस करेंगे आराम से तो ये जो स्क्रू है वहाँ पे बैठ जाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा था वो स्क्रू मैंने ये निकाला था, अगर आपको दिख रहा है तो ये स्क्रू निकाला था मैंने छोटा सा। अब चलिए स्क्रू को फटाफट से हम टाइट कर देते हैं। और मैं रेकमेंड करूंगा आपके पास अगर कोई स्क्रू ड्राइवर हो तो मैग्नेटिक हो, जिससे यू नो जो स्क्रू है वो नीचे ना गिरे। अब स्क्रू हम टाइट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, अच्छे से स्क्रू जो है फास्टन हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कहीं नहीं हिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। यहीं पे आपके स्टेप कंप्लीट होता है। अब आपने सिर्फ अपने लैपटॉप पर कवर जो है वापस लगाना है। सो गाइस मैं फटाफट से लैपटॉप को दोबारा से कवर लगा के और दोबारा से आता हूँ। अब लैपटॉप को ऑन करके हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि हम इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज। सो गाइज बने रहिए। और गाइज सो ये था हमारा सारा स्टेप्स, आप कैसे रैम को लगा सकते हैं और SSD को लगा सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। चलिए बातें करते करते हम ऑन भी कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा अभी हमारी HDD पे हार्ड डिस्क पे ही बूट होगा लैपटॉप। हमें पता लग जाएगा हार्ड डिस्क में कितना टाइम लगता है। ये कर दिया हमने बूट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि अगर हम ऐसे करके अपने लैपटॉप को अपने आप खोल के रैम और SSD अपग्रेड करते हैं तो क्या उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो गाइस मैंने काफ़ी इस पर देखा, फोरम्स पे भी चेक करा, सब जगह चेक करा, फिर मैंने अपने आप HP सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करा और उनसे पूछा कि अगर हम अपने आप रैम को या SSD को अपग्रेड करते हैं लगाते हैं सिर्फ तो क्या वारंटी वॉइड होती है। जो मुझे आंसर मिला था वो ये था कि अगर आप अपने आप लगाते हैं SSD और RAM और वो लगाते समय कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है या फिर आप कुछ तोड़ देते हैं गलती से कि कुछ भी हो जाता है लैपटॉप में, वो कवर नहीं होगा। अगर आपने लगाया उसको आराम से और फिर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वारंटी वॉइड नहीं होती। आप समझ रहे हैं, दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे, आपने रैम लगाई और आपने SSD लगाई, बट लगाते समय प्रोसीजर में आपसे कुछ गलती हो गई या कुछ चीज़ टूट गई तो वो टूटी हुई जो चीज़ है वो या फिर आपका पूरा लैपटॉप वो वारंटी के अंदर नहीं रहेगा, आपकी वारंटी वहीं वॉइड हो जाएगी। बट अगर आपने लगाई रैम और SSD सब लगा लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती है। By chance later on कोई दिक्कत आती है तो आपका लैपटॉप फिर भी वारंटी में है। गाइस इसको अच्छे से समझिएगा, ये दो सिनेरियोस हैं। अगर कॉन्फिडेंट हैं तो करिए अपने आप, अगर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो HP सपोर्ट के पास जाइए या कोई लोकल आपके वहाँ पे कोई कंप्यूटर शॉप हो तो उनसे आप ये चीज़ करा सकते हैं, बट वो ऑब्वियसली आपको चार्ज करेंगे। अब देख ही रहे होंगे आप ये कितना टाइम लगा रहे हैं हार्ड डिस्क पे स्टार्ट होने में। इसलिए यू नो SSD की ज़रूरत पड़ती है। रैम अभी हमने अपग्रेड कर लिया है, जैसे ही स्टार्ट होता है फिर मैं आपको बताऊंगा आप अपनी ओरिजिनल विंडोज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी नई SSD के अंदर। फाइनली स्टार्ट हो गया हमारा लैपटॉप और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेमोरी अगर हम चेक करें अब बढ़ चुकी है मेमोरी, अब हो गई 16 GB मेमोरी। और आप सभी की चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, 16 हमने रैम लगाई है, अब दोनों ही स्लॉट्स यूज़ हो रहे हैं 2400 MHz पे। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क तो है, साथ ही अब ये नई डिस्क ऐड हो गई है जो SSD है, ये भी है वेस्टर्न डिजिटल की,
और यही है हमारी SSD जो हमने अभी ऐड करी है। और चलिए फटाफट से सीख लेते हैं कैसे आप अपने OS को जो है वो कॉपी कर सकते हैं अपनी नई SSD में। तो उसके लिए आपको गाइस एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, मिनी टूल्स पार्टीशन विजार्ड, ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शंस है, डिस्क क्लोन और माइग्रेट OS। अब डिस्क क्लोन में क्या होगा, पूरी की पूरी जो डिस्क होती है वो कॉपी होके आपके SSD में चली जाएगी। बाई चांस अगर आप 1 TB की हार्ड डिस्क यूज करते हैं और टोटली उसको 1 TB की SSD में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। और एक ये है माइग्रेट OS। फिलहाल हम ये करने वाले हैं कि हमने अपना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही माइग्रेट करना है। चलिए फटाफट से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ओके, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला, आई वुड लाइक टू रिप्लेस माई सिस्टम डिस्क विद अनदर डिस्क, मतलब आप पूरी की पूरी डिस्क को रिप्लेस करना चाहते हैं। और सेकेंड, आई वुड लाइक टू मूव माई ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर हार्ड डिस्क एंड कीप द ओरिजिनल हार्ड डिस्क इन माई कंप्यूटर, मतलब आप ओरिजिनल हार्ड डिस्क भी रख रहे हैं और साथ में एक और हार्ड डिस्क पे या फिर एक और डिस्क पे बेसिकली आप जो है विंडोज चाहते हैं। सो अभी हम डेफिनेटली सेकेंड वाला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास SSD भी है और हार्ड डिस्क भी है। सो हम सेकेंड वाला यूज करते हैं इसमें और चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास दोनों हार्ड डिस्क दिखा रहा है, आपकी डिस्क 1 है जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है और डिस्क 2 है जो आपने SSD अभी इंस्टॉल करी है। सो हमें डेस्टिनेशन डिस्क सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, जिसके लिए आप डिस्क 2 जो कि आपकी SSD है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इस पार्ट को, स्क्रीन को आप बिल्कुल मत छुइएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है अपनी BIOS की सेटिंग्स में जाके आपको कॉन्फिगर करना पड़ेगा अपना बूट डिवाइस। सो ये अभी नहीं करना है, बट ऑब्वियसली आपको बूट डिवाइस में जो प्रायोरिटी है वो SSD की सेट करनी पड़ेगी, जिससे सिस्टम पहले से चेक करे कि भाई SSD में विंडोज इंस्टॉल है और वहां से विंडोज को बूट करें। तो चलिए अब हम फटाफट से इस पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। सो अब इसको करने के बाद आपने करना कुछ नहीं, सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है। और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो अगर आप कोई फालतू की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वो आप क्लोज कर सकते हैं और फिर यस पे क्लिक कर सकते हैं। अब गाइस यस पे क्लिक करने के बाद आपको मिलता है ये वाला एक एरर या नोटिस आप कह सकते हैं। सो डरना नहीं है, इसमें क्या होता है आपने रीस्टार्ट करना है PC को, क्योंकि सी ड्राइव आपकी ऑब्वियसली यूज हो रही है और ये सी ड्राइव को ही कॉपी कर रहा है यहाँ आपकी विंडोज है, इसलिए बोल रहा है। ये क्या करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और फिर वहां से जो है जो ये सारा प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेगा। सो गाइज अब मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो रुक जाएगी, तो अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। गाइज सो आपने रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, हम कर देते हैं और अब आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली DOS मोड में एंटर होगा और वहाँ पे कॉपिंग शुरू हो जाएगी। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन जो है शुरू हो गया है, पार्टीशन विजार्ड शुरू हो गया है और अब हम इसको होने देंगे। आपने कोई चीज नहीं सेलेक्ट करनी है, आप बस इसको नॉर्मली होने दीजिए और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। One eternity later. All right guys, so ये हो चुका है हमारा सिस्टम ऑन और आप देख सकते हैं कितनी फास्ट जो है ये बूट होगा। अब की बार ये SSD पे बूट होने वाला है तो आप चेक कीजिएगा। देखिए ये हो चुका है ऑन, तो ये देखिए गाइज ये हो चुका है बूट। तो हमने देखा कितनी तेज जो है बूट हुआ। और गाइस सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे आप अपने लैपटॉप की रैम SSD अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे आप अपने हार्ड डिस्क से OS को, ओरिजिनल OS को अपनी SSD में इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी डेटा लॉस के। अब गाइस बात करूं मैं अगर रैम और SSD की, तो जरूरी नहीं है आपको यही वाली रैम और यही वाली SSD लगानी है, और भी सारी रैम और भी अलग अलग कंपनीज की रैम और SSD आती हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छी डील में मिले आप वो ले सकते हैं। मैं कुछ बेस्ट ऑफर्स, बेस्ट डील्स जो फिलहाल चल रही हैं ऑनलाइन वो मैं आपको डेफिनेटली लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ जो SSD स्क्रू के साथ आती है उनका भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी रहे देखने में। बाकी आई होप आप सबको अच्छे से आज पता चल गया और अब दोबारा आपको जरूरत ना पड़े कुछ भी चेक करने की और आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे कैसे अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप बिना किसी दिक्कत के। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था गाइज, वारंटी की आप टेंशन मत लो। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं।
और मेरे को डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। साथ ही साथ गए मैं एक FAQ वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ इसी लैपटॉप से रिलेटेड, सो डेफिनेटली कमेंट करके मेरे को अपने क्वेश्चंस दे दीजिए आप। बस गए आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आई नो थोड़ी लंबी हो गई है बट आपका एक लाइक डेफिनेटली मेरे को मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस आप तक लाने के लिए, सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ गए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उनका अपना लैपटॉप अपग्रेड करें उनको डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगी, सो उनको भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को द रिव्यू वॉयज, और इस चैनल पे हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, अनबॉक्सिंग रिव्यूज, साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स की वीडियो सारी आती रहती है यहाँ पे। और हमारा चैनल जो है वो अब सोशल मीडिया पे भी है, तो आपको वहाँ पे भी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, सो लिंक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आप वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बस यही खत्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड नाइट।